बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना अनवार और आप देख रहे हैं रुखसाना किचन। तो फ्रेंड, आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो रमज़ान के हवाले से ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो हम आज चने की चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये किस तरह तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने चने लिए हैं, इनको अच्छी तरह बॉईल करने लेना है। इसके अलावा हमने 3 अदद आलू लिए हैं, इनको बॉईल करके इस तरह स्लाइस में काट लेना है। 2 अदद हमने सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है। 2 अदद हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। 2 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1 हम इसमें लीमू ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 अदद हमने प्याज ली है, इसमें नमक डाल के इसको अच्छी तरह धो लेना है ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इसके अलावा हम इसमें ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, ये पुदीने और सब्ज़ धनिया की चटनी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बाउल में चने ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे हल्का हल्का। दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ग्रीन चटनी से कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चना चाट तैयार है। फ्रेंड्स, ये थी आज मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।